दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके दोस्त आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करते होंगे और आप उस मैसेज को नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वो मैसेज आपकी अपनी भाषा में नहीं होता है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ती होगी एक डिक्शनरी ऐप की, जिसमें आप उस मैसेज को कॉपी करके ले जाते होंगे और उस मैसेज का मतलब जान लेते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आने पर भी अपने दोस्तों से अंग्रेज़ी में चैट कर सकते हैं। अंग्रेज़ी के अलावा भी आप दूसरी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड से चैट भी कर सकते हैं और उसका मतलब भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यू डिक्शनरी ऐप की। जी हाँ फ्रेंड्स, यू डिक्शनरी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं और उसका मतलब भी जान सकते हैं, क्योंकि यू डिक्शनरी ऐप में 28 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। जी हाँ, जिससे आप व्हाट्सएप मैसेज को व्हाट्सएप के अंदर ही ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसे अपनी पसंद की लैंग्वेज में देख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। आप एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन टाइप करेंगे जिसका नाम है यू डिक्शनरी। जी हाँ, तो यू डिक्शनरी करके आपको एक एप्लीकेशन टाइप कर देना है। जिससे ही आप उसको टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का आइकॉन शो हो जाएगा। तो आपको इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन करके बता देता हूँ। तो आप ओपन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करने के बाद तो यू डिक्शनरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। अब इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। जब आप ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो नीचे बॉटम में 3 बटन दिख रहे हैं, उनमें से फर्स्ट जो बटन है, जो कि आपका प्रोफाइल का होता है, इस तरह से शो होता है, तो आपको इस बटन पर क्लिक करना है। सिंपली आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस इसका नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है ऑफलाइन पैकेज, तो आपको ऑफलाइन पैकेज पे क्लिक करना है। ऑफलाइन पैकेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ पैकेज ऑफलाइन आपको डाउनलोड करना होंगे। तो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, उन तीनों को ही डाउनलोड कर लेना है। ऑफलाइन डिक्शनरी, ऑफलाइन सेंटेंस और कॉलेज, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इस तरह से ये राइट के निशान आ रहा है, तो आपको इनको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा आपको इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश, आप अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको इंग्लिश से हिंदी में सेलेक्ट कर रखा है। इसमें आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको ये तीनों ही ऑफलाइन पैकेज को डाउनलोड करना है। इसके अलावा भी आप और भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। जी हाँ, तो आप यहाँ से सेटिंग पे जाइएगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जो भी सेटिंग मिलेगी उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, आपको जाना है सेकंड नंबर के ऑप्शन पे। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा मैजिक ट्रांसलेट, इसके बाद जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो है कॉपी टू ट्रांसलेट। तो आपको कॉपी टू ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। सिंपली आप क्लिक करेंगे तो कॉपी टू ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद आपको जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंस्टेंट कॉपी टू ट्रांसलेट, इसको आपको ऑन कर लेना है। जी हाँ, इसको आप ऑन कर लीजिए। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, और यहाँ से आप इसमें से बैक आ जाइए। अब जब बैक आ जाएंगे तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से डिक्शनरी आपकी काम करती है। तो बैक आने के बाद आप अपने व्हाट्सएप पे जाइए, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये लैंग्वेज ट्रांसलेट का काम करती है। तो आप अपने व्हाट्सएप मैसेज को ओपन करिए, और इसमें से कोई भी मैसेज जो आपके फ्रेंड्स ने आपको भेजा हुआ है, आप उसका मीनिंग जानना चाहते हैं, उसका मतलब जानना चाहते हैं, तो आपको उस मैसेज को कॉपी करना है क्लिक करने के बाद। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये व्हाट्सएप मेरा ओपन हो चुका है। अब इसमें से ये ऊपर जो लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू ब्रदर, तो इस पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर कॉपी करूँगा तो ये इसका मतलब मुझे बता देगा। तो देखिए इसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा। तो आप कॉपी करिए, और कॉपी क्लिक करके सिंपली आप इसका मतलब जान सकते हैं। तो एक बार डबल से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको इसका मतलब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हेलो हाउ आर यू ब्रदर, हेलो आप कैसे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मिल गया मुझे। तो ये मैंने इंग्लिश था, इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसका जो आंसर था हिंदी में, जो ट्रांसलेशन था, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के अंदर ही। तो ये तो हमने व्हाट्सएप के अंदर ही इसको ट्रांसलेट करके देखा। अब हम इसको देखेंगे कि ये व्हाट्सएप के बाहर कैसे काम करती है डिक्शनरी। तो आप दोबारा से उसी डिक्शनरी को ओपन करिए, और ओपन करने के बाद आप देखिए कि ये डिक्शनरी किस तरह से वर्क करती है। तो व्हाट्सएप के अलावा भी आप इस डिक्शनरी को यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी वर्ड का आप मीनिंग जानना चाहते हैं, तो आप उस डिक्शनरी को ओपन कर लीजिए, यू डिक्शनरी जो आपने डाउनलोड कर रखी है, इस पर क्लिक कीजिए, और इंटर वर्ड्स और सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप किसी सेंटेंस को भी टाइप करके उसका मीनिंग जान सकते हैं, या किसी वर्ड को भी टाइप करके उसका मीनिंग जान सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर देता हूँ, जिसका लिख देता हूँ क्वारंटाइन।
तो मैंने एक वर्ड लिख दिया करेंट टाइम, ठीक है। अब मैं इसका मीनिंग जानना चाहूँगा तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और इसका ये आंसर यहाँ पे आ गया है। तो देखिए इसके बहुत सारे आंसर्स यहाँ पे शो हो गए। हिंदी में संग उठने बैठने के लिए मनाही करना, संक्रामक रोगियों को दूसरों से मिलने जुलने पर रोक देने की अवधि, संगरोध और अलग करना, पृथक करना, तो करेंट टाइम से रिलेटेड मीनिंग आ गए। आप नीचे जाएंगे तो टॉप में इसका एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस भी आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस वर्ड का मिल गया है। इसके अलावा आप किसी वर्ड का सेंटेंस का ट्रांसलेशन जानना चाहते हैं तो आप उस सेंटेंस को भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ आर यू, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे सर्च बॉक्स पे तो इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। तो देखिए हाउ आर यू का आंसर हिंदी में आपको मिल गया है, आप कैसे हो। तो इस तरह से ये डिक्शनरी काम करती है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल डिक्शनरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाए आपकी और आप इंग्लिश में अपने फ्रेंड से चैट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो ये डिक्शनरी बहुत ही यूजफुल है। आप इस डिक्शनरी को आज ही डाउनलोड कर लीजिए। और आप फिर से वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।